बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने गुपचुप अपने विदेशी बॉयफ्रेंड से शादी रचा ली है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक तापसी ने अपने बॉयफ्रेंड मैथियास बोसंग गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। तापसी ने उदयपुर में 7 फेरे लिए। होली से 2 दिन पहले दोनों गुपचुप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे थे और 23 मार्च को उन्होंने शादी रचा ली। तापसी ने अपनी शादी की भनक कानोकान किसी को नहीं लगने दी। तापसी की शादी की खबर पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी इस लेटेस्ट फोटो ने सब कुछ साफ कर दिया है। ये फोटो होली के मौके की है, जिसमें तापसी की मांग में सिंदूर भरा हुआ नजर आ रहा है। तापसी की शादी की तस्वीर तो सामने नहीं आई, लेकिन उनके हल्दी कॉकटेल जैसे फंक्शंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो गई हैं, जिसमें तापसी और उनके पति दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मार्च से तापसी के प्री वेडिंग्स की शुरुआत हुई थी। एक्ट्रेस की शादी की भनक मीडिया को भी नहीं लगी। तापसी चाहती थी कि उनकी शादी में कोई मीडिया कवरेज ना हो, इसलिए उन्होंने अपने इस खास दिन को सिर्फ अपने करीबी लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉलीवुड से भी तापसी की शादी में कुछ लोग शामिल हुए थे। तापसी ने शादी में करीबी दोस्त डायरेक्टर अनुराग कश्यप को इनवाइट किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म थप्पड़ के को-स्टार पावेल गुलाटी और कनिका ढिल्लो को भी बुलाया था। तापसी के 43 साल के पति मैथियास बोए भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच हैं। मैथियास अपने समय के बेहतरीन डबल्स प्लेयर रहे हैं। मैथियास डेनमार्क के लिए बैडमिंटन खेलते थे और इस दौरान उन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीता था। तापसी और मैथियास की मुलाकात साल 2013 में हुई थी और तब से दोनों का अफेयर चल रहा है। 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अब जाकर शादी रचाई है। हमारी तरफ से तापसी को शादी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।